बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं जो रेसिपी दे रही हूँ वो थोड़ी सी डिफरेंट है और ये बच्चों के लिए है। बड़े भी इसको खा सकते हैं लेकिन ये जो खुसूसी तौर पे बच्चों के लिए है और ये ऑरेंज कैंडी है। और ये कि इसमें जो ना कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर है और ना कोई आर्टिफिशियल कलर है। चलो ये शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ऑरेंज जूस बनाऊँगी। तैयार हो चुका है, अब मैं इसे छान लूँगी। 2 ग्लास ऑरेंज जूस कैंडी बनाने के लिए मैंने लिए हैं। वन एंड हाफ ग्लास मैंने बटर में डाल दिया जूस का और बाकी जो हाफ ग्लास है उसमें मैं 2 टेबलस्पून कॉर्न स्टार्च मिक्स करूँगी। 1 ग्लास चीनी का इसमें मैं डाल दूँगी। लो फ्लेम पे मैं इसे अब पकाऊंगी और साथ ही मैं जो कॉर्न स्टार्च है वो जूस में मिक्स कर लूँगी। खाने की चम्मच जो है कॉर्न स्टार्च इसमें मैं ऐड करूँगी। और मैं अच्छी तरह जूस में मिक्स कर लूँगी। जो मैंने मिक्स किया है कॉर्न स्टार्च वो मिक्स करती जाऊंगी और साथ में चम्मच लगाऊंगी ताकि वो अब थिक होने तक मैं इसे पकाऊंगी। ये थिक होने पे आ गया, थोड़ा सा मैं इसे और पकाऊंगी। ये बिल्कुल लो फ्लेम पे मैं इसे तैयार कर रही हूँ ताकि अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। कैंडी का मेज़ा बिल्कुल तैयार हो चुका है, अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इसको मैं अब इसमें मोल्ड में डालूंगी। अब मैं इसे ज़रा ऑयल लगा लूंगी। अब मैं इसे मोल्ड में डाल दूंगी। तो आपने लो फ्लेम पे तैयार करना है और एंड पे आके आपने जो चम्मच है वो मुसलसल इसमें हिलाते जाना है क्योंकि एंड पे आके लगने का ज़्यादा होता है ख़तरा। 4 घंटे के लिए अब मैं इसे रेफ्रिजरेटर में रखूँगी और जो इसका नेक्स्ट और लास्ट प्रोसीजर है वो फिर बाद में। कैंडी जो है वो रेडी हो चुकी है। इसको तकरीबन मैंने 4 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में रखा था और ये 1/2 कप मैंने कोकोनट पाउडर ले लिया और 2 टेबल स्पून मैं इसे चीनी ऐड करूँगी। मैं अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी दोनों चीज़ों को। मैं ये स्टिक के साथ इसके थोड़ा सा इनको सेपरेट करूँगी इससे इसके किनारों से ताकि वो आराम से जो कैंडी इसमें निकल आएगी। मैं इसको थोड़ा सा पुश करूंगी। अब मैं इस पे नारियल और चीनी जो मैंने मिक्स की है वो लगाऊंगी। ऑरेंज कैंडी तैयार हो चुकी है, बड़ी ज़बरदस्त लग रही है। इसकी शेप देखें, इसका टेस्ट भी बड़ा अच्छा होगा और आप अपने बच्चों को बना के दें, आपको खुद भी ये पसंद आएगी और ये विटामिन सी से भरपूर है और ये जो बाज़ार की चीज़ों से ये बहुत बेटर है। तो आप इसको बच्चों को घर में बना के दें, इंशाल्लाह उनको पसंद आएगी।
प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।